अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं दिल हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ भाई, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा भाई। ये वीडियो जो है, मैं किसी से पर्सनल अटैचमेंट नहीं है मेरी या कुछ नहीं है, मैं नहीं बना रहा, सिर्फ जो पेट लवर है, जो नए पेट लवर है उनकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इतनी गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है भाई, इतनी गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है और बार बार डाली जाती है। जब भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है भाई, पहले तो मैं उन लोगों से माजरा चाहूँगा जिन्हें ये मेरी वीडियो अगर लगे कि मैंने उनके खिलाफ बनाई है, तो मैं उनका किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, किसी भी किस्म का मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ लोगों को ये बताऊंगा कि पैरेट को कौन सी फीड देनी चाहिए, कौन सी फीड नहीं देनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और जो लोग नए हैं जल्दी से लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं आपके लिए। वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं भाई, गर्मी में बनाते हैं और बहुत हमारी रिसर्च होती है वीडियो पे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो हमारे, जो है ना 60% 70% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और हमारी हौसला अफजाई करो कमेंट्स करके। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं भाई। मैंने देखा सोशल मीडिया पे और काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, मतलब उसमें ये कहा जा रहा है अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप इसको रोटी खिला दीजिए, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप इसको चने का आटा खिला दीजिए, घर में आपके आटा होगा उसको जो है वो लिक्विड बना के वो पिला दीजिए। भाई ये चीज़ें बिल्कुल ख़तरनाक होती हैं तोतों के लिए, रोटी बादी होती है, रोटी तोतों को नहीं दी जाती, ना छोटेपन में ना बड़ेपन में रोटी कभी भी नहीं दी जाती है भाई। अगर जो एक 15,000 का यार तोता खरीद रहा है पहाड़ी, या एक 5,000 का बच्चा खरीद रहा है, तो उसके लिए अगर आप फीड का लगाएं भी तो रोज़ की 10-20 रुपए की फीड बनती है यार इतना। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप तोते को ना खरीदें यार, सही है ना। कोई दिखा रहा है वो भूसी टुकड़े, मतलब यानी कि पीस उसको जो है वो भिगो के, भूसी टुकड़ों को भिगो के बिल्कुल, और फिर वो फीड करा रहा है और इतनी अजियत से उसको मुँह में ठसा रहे हैं भाई, ये क्या है यार। मतलब खिलाने को तो उसको आप कुछ भी खिला दो चल जाएगा, लेकिन उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। सादी रोटी बादी होती है तो सूखी रोटी कितनी नुकसानदेह होगी यार, फिर डबल रोटी को जो है वो भी दिया जा रहा है उसको। तो भाई ये तोते के लिए चीज़ें सही नहीं होती। अगर तोता बाज़ाहिर देखने में सही है, अगर उसकी हड्डियों में दर्द है तो वो किसी को बताएगा थोड़ी यार। आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते इसी तरह से जो आप पैरेट पाल रहे हैं, आपका फ़र्ज बनता है कि आप बाज़ार से जाके उसकी अच्छी से अच्छी फीड मालूम करें। इस टाइम अगर आप मुझसे फीड पूछेंगे तो नंबर वन मैं बोलूँगा सीटाकस फीड है। केटी में भी प्रॉब्लम आती है कि लोग एक्सपायरी चला देते हैं, उससे क्या होता है कि तोते के पेट में मरोड़ हो जाती है, उसकी आंतें सारी डैमेज हो जाती हैं। अक्सर मुझे वो लोग बताएंगे जिनके तोते के साथ ये मसला हुआ होगा, ये जगह जो आप पैरेट की देख रहे हैं ये सूज जाती है, सही है, उसकी सारी आंतें ख़राब हो जाती हैं। पॉटी से जो ऊपर की जगह है जिसे हम पेट कहते हैं, ये जगह सारी तोते की सूज जाती है, आंतें ख़राब हो जाती हैं। अब वो करते क्या है, उसकी एक्सपायरी में वो जो कुछ भी करते हैं, गलत डेट डाल देते हैं या अलग डब्बे में दे देते हैं या पॉलीथिन में पैक करके दे देते हैं उनको 100-200 रुपए कम में। वो भी खुश हो जाते हैं यार, 100-200 रुपए कम केटी मिल गई, वहाँ तो इतने की मिल रही थी, 800 रुपए पाओ, यहाँ 500 रुपए 600 रुपए पाओ मिल गई। तो भाई सीटाकस पिस्ता शू के नाम से भी होती है, उस पर पिस्ता शू सीटाकस लिखा होता है, आप वो फीड ले लीजिए। आपको पता चल रहा है लॉकडाउन लगने वाला है तो आप पहले से ही अपना राशन जमा करते, तो भाई तोते का भी आप जमा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तोते पालने की, उसको फीड कराने की आपकी हैसियत नहीं है, तो आप बच्चा नहीं खरीदो। देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, या मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे। इसमें सिर्फ बात यह है कि देखिए जब आप अफोर्ड नहीं कर पाए, अब मैं बाइक रखे हूँ, मैं बाइक अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं गाड़ी अगर रख लूँ और मुझे उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे ही ना हो तो क्या फ़ायदा मेरे भाई। तो बेहतर यही है कि आप अगर ऑस्ट्रेलियन आपके अफोर्ड आपकी गुंजाइश में आ रहे हैं 600 रुपये का, आप ऑस्ट्रेलियन रख लें। आपकी कॉकटेल गुंजाइश में आ रहा है, आप कॉकटेल रख लें। आपके मकाओ गुंजाइश में आ रहा है, आप मकाओ रख लीजिए, कोई डजन मैटर। मैं इस पे टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है कि यार आप चाह रहे हैं मैं भूसी टुकड़ों पर पालूँ उसको, डबल रोटी पर पालूँ उसको, भाई हरे मिट्ठू वगैरह को भी नहीं देते हम ये चीज़ें। और एग्जॉटिक बर्ड्स में तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। मेरे पास एक मुल्तान से भाई की कॉल आई थी, वो मैसेज मुझे ज़रूर करेंगे इसमें, मैं उनका नंबर मिस हो गया। उन्होंने मुझे वीडियो भी बना के दी थी कि यार मैंने ये वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा कि भाई रोटी खिलाओ, मैंने येलो रिंग नेक वाइट रिंग नेक को बच्चों को कराई, मेरा 6-7 लाख रुपये का यार लॉस हो गया, सही है। तो फिर उस पर आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जो है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि जिसके साथ ये हुआ हो, जिसने रोटी खिलाई और रिएक्शन हुआ और मरा हो। और इस वीडियो पे अगर आप 1,000 लाइक्स लाएंगे तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, सही है। 1,000 लाइक आने चाहिए, आपके कमेंट्स आने चाहिए कि हाँ आदिल भाई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए रोटी खिलाने से उसका पेट भर जाएगा,
हो सकता है वो सर्वाइव भी कर जाए, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। अब कचरा कुंडी पे भी तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना यार, और बाहर देखने में वो हमारे बच्चों से जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम बहुत खराब होता है। अगर कोई बीमारी आती है तो उनके जिस्म में ताकत नहीं होती उससे लड़ने की मेरे भाई। बाहर देखने में वो बहुत मोटे ताज़े लग रहे होते हैं, हमारे बच्चों से अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो कचरा खा रहे होते हैं, ख़राब चीज़ें खा रहे होते हैं, बासी चीज़ें खा रहे होते हैं, होटलों के डस्टबिन से उठा उठा के खा रहे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप उसको खाना तो खिला रहे हैं लेकिन सही खाना नहीं खिला रहे। अगर वो सर्वाइव भी कर गया तो उस वो ज़्यादा टाइम अरसे तक जिंदा नहीं रहेगा। अगर रहा भी यार, उसके पैरों में दर्द हुआ, उसके हड्डियों में दर्द हुआ कमज़ोरी से, तो वो आपको बोल नहीं सकता, बेज़बान तोता है। अगर तोते की ज़बान होती तो फिर वो बताता। अब बाहर वाले अगर फीड बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके वो फीड बनाते हैं, तो उसकी एक वजह है यार, वो भी तो रोटी दे सकते हैं। उनके यहाँ पूरा टेस्ट होता है कि यार ये इसके फेदर्स पे कितनी असर अंदाज होगी, इसकी हड्डियों पे कितनी असर अंदाज होगी, जब ये बड़ा होगा इसका पेयर लगेगा तो ये इसकी लाइफ कहाँ तक जाएगी, ये कितने बच्चे निकाल सकेगी या कितने बच्चों को फीड करा सकेगी, उसमें सारा कुछ होता है भाई। उनके यहाँ रिसर्च होती है, हमारे यहाँ तो इतनी नहीं होती। तो बराए मेहरबानी ये रोटी, ये चावल, ये सित्तू का आटा, ये आटा, ये बेसन, मैं आपसे जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने तोतों को ना दें, ये नुकसानदेह होता है। अगर आपको इमरजेंसी में देना ही है तो आप सीरीलैक दे दें, सीरीलैक कोई नुकसानदेह नहीं है, इमरजेंसी में दें। नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप पैरेट की फीड दें उसको, सही है। मैं एक दफ़ा फिर से बोलूँगा भाई, ये मैंने किसी के लिए नहीं बनाई ये वीडियो, ये सिर्फ मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बनाई है कि जिनके तोते मर रहे थे वो ये खिला रहे थे। फिर मैंने बोला यार आप वीडियो में आओ, तो कहने लगे नहीं यार दिल भाई आप बस वीडियो बना लें, हमारा तो जो नुकसान होना था हो गया, किसी और का ये नुकसान ना हो, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता चलूँ, रोटी डबल रोटी, और जब ये तोते बड़े हो जाते हैं, चीज़ बिस्किट निम्को पापड़ चाय पापा लोग खिला रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है हमारा तोता, ये पी रहा है, भाई ये तोते के लिए नहीं बनी, ये तो इंसान के लिए भी नुकसानदेह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय वगैरह, लेकिन पी रहे होते हैं, सही है ना। तो आप एहतियात करें, ऐसी कोई चीज़ ना दें, गंदम के आटे की इनको ना बना के दें पेस्ट बना के, रोटियों को सूखी रोटियों को रखी हुई रोटियों को आप ना दें, उसका लिक्विड बना के वो किसी की भी किस्म की कोई चीज़ ना दें, तोते के लिए नुकसानदेह होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। और जिन जिन लोग मेरी बात से इतफाक करते हैं वो कमेंट्स करेंगे और 1000 लाइक आएंगे तो मैं इस पर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।